भाइयों देख सकते हैं हम अभी आ गए हैं सेडल के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, और सेडल किस तरीके से काम कर रही है। नमस्कार किसान भाइयों, आपके लिए मक्का की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हम आपके लिए। ये देख सकते हैं रेजर धार विधि से मक्का बोने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अभी हमारे MP सिमनी में बारिश हुई है, आज 8 जून है आज। तो किस तरीके से जॉन डियर 50-45 डी ट्रैक्टर धार बना रहा है देख सकते हैं आप, कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी गहराई ले रहा है उसके बारे में दिखाएंगे आपको, ट्रैक्टर में चढ़कर भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं ये डबल धार बन के चल रही है, सिडिल में काफ़ी अच्छी लंबाई चौड़ाई आ रही है, लगभग 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर चल रही है, अभी 7 फीट मान सकते हैं। और ये देख सकते हैं किस तरीके से धार बनी हुई है, इसमें लगभग 2.5 से 3 फीट की धार बनी हुई है। अभी इस धार से जाएंगे, फिर इस धार से फिर आएगी ट्रैक्टर अभी वापस, तो दिखाएंगे आपको। अभी ये दाना मक्का खाद वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है, अभी धार बनाकर तैयार ही किया जा रहा है। फिर इसके बाद ये धार विधि से बोनी होगी, उसका भी सारी जानकारी लेकर आएंगे हम आपके लिए, और ट्रैक्टर में बैठकर दिखाएंगे कि अभी किस तरीके से कार्य कर रहा है। और अभी ये वाली लाइन से लेकर आएंगे भैया अभी, तभी डबल धार बनेगी इसमें। ये देख सकते हैं अभी ये वाली धार से लेकर आएंगे इसको, तो ये एक ही धार बनती है, फिर उधर साइड से आएगी फिर उधर से बनेगी। जिस तरीके से प्लाव कार करता है उसी तरीके से ये ट्रैक्टर भी चल रही है। बढ़िया धार बन रही है भैया, कौन से नंबर गियर में चला रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको अभी। ये देख सकते हैं किस तरीके से मशीन चल रही है, ये बिल्कुल नई है, सुरेश एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा निर्मित है ये सिमनी से, और इसकी कीमत 42,000 रुपये की है। अभी ये सीजन से पहले मिली है, ये सिमनी में ही फैक्ट्री है सुरेश एग्रो इंडस्ट्रीज की। जैसा कि किसान भाइयों हमने दिखाया था कि ये वाली धार से ट्रैक्टर गई थी, फिर ये वाली धार बन गई थी एक्स्ट्रा, अब ये वाली धार हो गई है कम्प्लीट, तो फिर ये वाली धार से ट्रैक्टर आएगी तो एक धार एक्स्ट्रा बनेगी। टाइम तो बिल्कुल कम ही लग रहा है, सही स्पीड में गाड़ी चल रही है, हम ट्रैक्टर के ऊपर भी जाकर दिखाएंगे आपको। खेत की मिट्टी भी दिखा दें हम आपको, अभी ये आधा इंच ही बस सूखा है, बाकी पूरा गीला है, ऊपर की मिट्टी बस सूखी है आधा इंच, बाकी पूरी मिट्टी गीली है अभी भारी बारिश के कारण, इसके लिए अभी फिनिशिंग नहीं आ रही है। और एक धार में 2 लाइन के भुट्टे जाएंगे, ये एक धार गई है तो इसमें 2 भुट्टे की लाइन जाएगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी, लगभग 10-12 इंच की दूरी से ही। अब ट्रैक्टर आ रही है वापस, सर हम उसको चढ़ के दिखाएंगे आपको। ट्रैक्टर में भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, अच्छा घिंचाव दे रही है ट्रैक्टर भी, जॉन डियर का 50-45 डी मॉडल है ये। हम ट्रैक्टर के ऊपर भी चढ़ कर बताएंगे और भाई से बात भी करेंगे। भैया कौन से नंबर गियर में चला रहे हैं आप? ये अभी 4 नंबर लो में चल रहे हैं। और कितने RPM में? ये कम से कम 14-15 RPM जी। ठीक है भैया चलाइए आप, हम देखते हैं अभी किस तरीके से कार्य कर रही है मशीन। ये देख सकते हैं भैया ने जानकारी दे दी है गियर की, ये देखिए RPM भी बढ़ रहा है अभी, लो 4 में लगभग 1300-1400 RPM में चला रहे हैं भैया गाड़ी। किसान भाइयों देख सकते हैं हम अभी आ गए हैं सिडिल के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, और सिडिल किस तरीके से काम कर रही है देख सकते हैं आप। ये इसका चैन सिस्टम अभी चालू किए हैं, अभी निकाले नहीं है, उधर पीछे दो डब्बे लगे हुए हैं, उधर ही सामने के डब्बे में खाद डाली जाती है और पीछे के डब्बे में बीज डाला जाता है। और अभी भैया ने बताया कि जिस तरीके से बखानी की जाती है जिस दिशा में उसी दिशा में बोना चाहिए, क्योंकि अभी दूसरे दिशा में बोकर देख रहे हैं तो थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है भैया को। बढ़िया धार बन रही है इसमें अभी, और एक बार बोनी होगी तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको, कितने किलो बीज लग रहा है, कितनी खाद लग रही है।